छठी सातवीं आठवीं तीनों क्लास को 20 तक क्या करना है, याद करना है स्क्वायर्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स के एग्जांपल्स आते कैसे होंगे, इसको करेंगे कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट बात करने वाले हैं, तो बेसिकली क्लास 6 से लेके 8 तक की वीडियो है, तो इसमें बेसिक मैथ है, ठीक है, ऑल क्लासेस के लिए, तो आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथ्स। तो उसके पहले जो बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे, जो मेन मेन चीज़ जो बेसिक मैथ के अंदर आता है वो जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट लेक्चर, और बाकी कल से आपकी आने वाली है क्लास 6 की वीडियो करते हैं फिर। ओके, बेसिक मैथ तो हम जानते पहले आयत के बारे में, मेन चीज तो यही है पहले, ठीक है। तो आयत क्या होता है, क्या होता है, तो क्या होता है आयत, जिसमें क्या गुण है इसके, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और आयत क्या है, हमारा एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज। और इसमें कितनी भुजाएं होती है, टोटल 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें से आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली, तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसका कुछ नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और पर डिटेल में आते हैं। तो उसका परिमाप क्या होता है, तो वो देखते हैं आयत का परिमाप, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर देखते हैं इसका पहले, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, हमारा परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर टू ब्रैकेट में एल प्लस में बी। ये कैसे आया उसको जानते हैं पहले, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा पर ये आया कैसे उसको जानते हैं आज, ठीक है। तो पहले आपको इससे पहले एक चीज़ जानना है कि परिमाप होता क्या है, परिमाप की क्या डेफिनेशन है। तो परिमाप की डेफिनेशन है किनारों का योग, सम ऑफ साइड्स, किनारों का योग, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सम ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड मतलब भुजाओं का योग, ऐसे ही बोल सकते हो, भुजाओं का योग, ठीक है, या किनारों का योग। तो कोई चतुर्भुज हमें दे रखा है, लाइक ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या होगा, सभी किनारों को प्लस कर देंगे, सभी साइड्स को प्लस कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, उसका परिमाप बन जाएगा, उसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो देखते हैं, तो हम निकालते हैं, मान लिया हमें दे रखा है आयत, तो आयत निकालते हैं पहले। इस तरीके से जितने भी आकृति होती है सभी का परिमाप निकाल सकते हो, सभी का पेरीमीटर निकाल सकते हो। तरीका मेन यही है कि साइड्स का सम कर दो। अब मैंने मान लिया आपको ये दे दिया, कुछ ऐसी साइड दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर नेमिंग कर दिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप इसका क्या निकालो, परिमाप निकालो, तो इसका कोई फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं होता ना, तो कैसे निकालोगे इसको, इसको निकालोगे सभी साइड्स को सम कर दोगे, इसको लगाओगे, ठीक है। तो परिमाप होता क्या है, भुजाओं का योग, सम ऑफ साइड्स, ठीक है, याद रखना। आप देखते हैं आयत का परिमाप कैसे आया, फॉर्मूला बना तो बना कैसे, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं बिल्कुल। तो हम साइड को प्लस करते हैं, तो इसको कहते हैं हम लेंथ, लेंथ मान लेते हैं लेंथ, ठीक है, इसको मान लेते हैं ब्रिथ, यानी कि चौड़ाई। तो इसको हमने मान लिया एल से लेंथ, और इसको मान लिया हमने बी। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, क्यों, क्योंकि ए बी बराबर क्या होगा हमारा, बी सी, ए बी बराबर सी डी, क्या होगा, सी डी। अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी हो गया, ए बी बराबर सी डी। और क्या हो जाएगा हमारा, ए डी बराबर में बी सी, ठीक है। तो अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा ना, तो ये भी है तो ये भी हो जाएगा, ओके। तो हमें निकालना है परिमाप, तो क्या लिखा है यहाँ पे, आयत, तो हमें आयत का देखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी, सभी साइड्स को सम कर देंगे बिल्कुल, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए एफ ए डी, बात एक ही है, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में ए डी, सबको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, एल है, यहाँ पर साइड लेते ए बी बराबर में एल, ठीक है, यहाँ पर लिख भी रखा है हमने, तो ए बी बराबर क्या है हमारा, एल है, कितना है, एल, प्लस में बी सी बराबर कितना है, बी है, तो बी रख दिया हमने यहाँ पर, सी डी बराबर कितना है, एल है, तो एल रख दिया हमने, एल है ना यहाँ पर, प्लस में ए डी बराबर कितना है, बी है, तो बी को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, एल और एल कितना बन गया, टू एल, प्लस में बी और बी कितना बन गया, टू बी।
अब टू को करते हैं कॉमन, एल प्लस में बी, बन गया फॉर्मूला इस तरीके से। तो इसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला कैसे आया था, इस तरीके से आया है, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कैसे आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, पर ये आया कैसे, तो उसका तरीका ये रहा। ओके, अब देखते हैं एरिया। तो इसको पहले अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, अब बाकी देखते हैं आगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले क्षेत्रफल की डेफिनेशन जानते हैं कि डेफिनेशन होती क्या है क्षेत्रफल की, तो पहले इसको देखते हैं परिभाषा क्या होती है क्षेत्रफल की, यानी एरिया की, ठीक है। क्षेत्रफल एरिया इंग्लिश में, ठीक है, यहाँ पर ले देते आयत। ओके, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, इनकी साइड्स की ए बी इंटू में बी सी कर दूँ, ठीक है। ये दोनों साइड सेम है तो इन दोनों में से एक ले लो, ठीक है। ये दोनों साइड सेम है तो इसमें से एक ले लो, तो बी सी बन गया, तो दोनों को गुणा कर दो, बन जाएगा इसका एरिया। इस तरीके से सभी में करना है, ठीक है। तो इनके दो साइड्स का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये और ये साइड तो सेम हैंगी, तो इसमें कोई एक लेंगे तो हमने ए बी ले लिया, और ये और ये सेम है तो इसमें कोई एक लेना है हमें, हमने बी सी ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी गुणे में बी सी, ए बी की लेंथ कितनी है, एल है, और बी सी कितनी है हमारी, बी है, तो क्या बन गया, एल बी। और आपने यही पढ़ा होगा, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी, ठीक है। लंबाई गुणे में चौड़ाई, तो एल क्या है हमारी लेंथ है कि, और बी क्या है हमारा चौड़ाई है, ठीक है। बाकी आप देखते हैं इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स कैसे आते हैंगे वो भी देखते हैं। माप निकालिए और उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो पहले हम निकालते हैं परिमाप, क्या निकालेंगे, परिमाप, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है आपको, यहाँ पर लिखोगे आप एल बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। बेसिकली हम लेंथ तो इसी को मानते हैं जो बड़ी होती है, और बी कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पर लिख लोगे आप आयत का, लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला लिख दोगे टू ब्रैकेट में एल प्लस में बी, टू ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दो, एल का मान कितना है, 3 है, 3 सेंटीमीटर, प्लस में बी का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 गुणे में 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 सेंटीमीटर कितना आ गया, 5 × 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया इसका, पेरीमीटर आ गया। ओके, तो पेरीमीटर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से प्लस करके देख सकते हो, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, अगर ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो 3 × 3 = 6 = 2 = 8 = 2 = 10 आ रहा है ना, इस तरीके से करना है। बाकी मान लिया बड़ा कुछ नंबर दे दें, 1500 दे दिया, 1000 दे दिया, 1584 दे दिया, कुछ दे दिया, ठीक है। तो फिर कैसे सॉल्व करोगे, तो फॉर्मूला पुट करोगे, ठीक है, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखोगे, फिर आपका आंसर आएगा। अब देखते हैं इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एल इंटू में बी, लेंथ कितनी है हमारी, 3 है, तो 3 सेंटीमीटर गुणे में बी कितना है हमारा, 2 सेंटीमीटर, 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। और एरिया हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, यानी स्क्वायर में होता है, और आयतन जो आप बाद में पढ़ोगे वो क्या होता है हमारा, क्यूब में होता है, ठीक है। तो पहुँच करके इसको उतार लीजिए, अगर यहाँ पे देखना हो तो बताऊँगा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा फोकस लाइट ज़्यादा आ रही है यहाँ पर, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में, वर्ग क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ग को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, क्या कहते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी की सारी आकृति जितनी भी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके वॉल्यूम और उसके एरिया और उसका परिमाप पेरीमीटर सबके बारे में जानेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ, कैसे फॉर्मूला आया, सबके बारे में जानेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो पहला वर्ग देखते हैं, दूसरा है, तो वर्ग की क्या गुण होते हैं, पहले उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमने बना दिया ए बी सी डी, तो यहाँ पे लिखोगे आप वर्ग बराबर में, वर्ग की सारी भुजाएँ क्या होती हैं, सारी भुजाएँ बराबर होती हैं, इसके गुण हैंगे, मतलब जितना भी है हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए बी बराबर में बी सी बराबर है, यहाँ पर बराबर बी सी बराबर में सी डी बराबर में ए डी, सारी भुजाएँ बराबर होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे कुछ ए, ठीक है, अगर उसको, अगर हमने एक को ए माना तो सारे सारे ए हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब परिमाप का फॉर्मूला मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, लास्ट पीछे बताया था, ठीक है। तो आप देखते हैं परिमाप क्या होगा इसका, वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका परिमाप का, 4 × a, 4 × भुजा, क्या होता है, 4 × भुजा, ठीक है। कैसे आया, सेम वही तरीका है, ए ए ए प्लस कर दो 4 बार, तो 4 बार ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आ गया। निकालने जरूरत तो नहीं है ना, क्षेत्रफल देखते हैं हम, ठीक है। क्षेत्रफल में क्या करते हैं, साइड्स को गुणा करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं ए बी गुणा में बी सी, तो ए बी कितना है, ए है, बी सी भी ए है, तो कितना बन गया, ए का स्क्वायर, कितना आ गया, ए का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है।
तो परिमाप भी निकल गया, क्षेत्रफल भी निकल गया। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स आते कैसे आएंगे, सो करेंगे कैसे, ठीक है, तो वो देखते हैं। नीचे देखते हैं एग्जाम्पल्स, यहाँ पे हमने बनाया एक वर्ग, तो वर्ग की होती है सारी भुजाएं बराबर, ए बी बराबर में, ए बी बराबर में बी सी, बी सी बराबर में सी डी, सी डी बराबर में ए डी। इसको हमने मान लिया दीर्घा में 3 सेंटीमीटर, कुछ और मानते हैं, मान ली 10 सेंटीमीटर दीर्घा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो ए बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, परिमाप निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप और क्षेत्रफल हमें निकालना है इसमें। और पहले इसको आप ट्राई करिए, नहीं पहले बताइए देते हैं, ठीक है, पहले मैं करवाऊंगा उसको, फिर उस तरीके से आपको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है, आगे एक एग्जांपल देंगे उसको सॉल्व करना है। तो ए बराबर देखा 10 सेंटीमीटर, तो पहले निकालते हैं पेरीमीटर, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला कहते हैं 4 × a, ए मीन्स भुजा, भुजा दिया है कितनी रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 × 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, तो 10 × 4 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। और पीछे हमने पढ़ा था परिमाप की डेफिनेशन क्या थी, साइड्स ऑफ सम ऑफ साइड्स, ठीक है, तो अगर सम करते हैं साइड्स की तो क्या आता है हमारा, 40 आना चाहिए, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 आ रहा है ना, तो सही है इसका मतलब, तो उस तरीके से निकाल सकते हो, अगर फॉर्मूले में पुट करके निकालना तो ये तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, फॉर्मूला होते ही इसलिए, ठीक है, तो ए कितना दे रखा है हमें, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर, तो 10 × 100 cm², ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, और सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया। और आप सभी को 6ठी 7वीं 8वीं तीनों क्लास को 20 तक क्या करना है, याद करना है स्क्वायर्स, ठीक है, आने वाले आपके चैप्टर्स में उसके मतलब क्वेश्चन जब करोगे तो आपको यूज आएगा, ठीक है, तो आपको वैसे तो 25 तक याद करना चाहिए, पर 20 तक आप करके याद कर लेना, आपके लिए सही रहेगा, फायदे में रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देते हैं, इसको आपको करना है, ठीक है, यहाँ पर एक वर्ग बना दिया मैंने, पी क्यू आर कर दिया हमने पी क्यू आर से, और इसकी साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो भुजा कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, याद कीजिए परिमाप क्या होगा इसका, और याद कीजिए क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एरिया और पेरीमीटर आपको निकालना है, तो सेम इसी तरीके से आपको ट्राई करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। इस पूरी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, जो भी पार्ट समझ में आए पूछना है, ठीक है आपको, और बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।